hello students a very pleasant morning students once again i am with you with uh, gk and in my last video videos i have explained you the chapters uh, lungs of the earth and benefits of spices and now it's time to do yourself so i am going to tell you the answers of do yourself one plant quiz fill in each blank with the correct choice from the brackets कोकुम्बर इज अ फ्रूट और वेजिटेबल द आंसर इज फ्रूट प्लान प्लांट्स मेक दियर फूड प्लांट्स अपने भोजन को बनाते हैं बाय फोटो सिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन द आंसर इज फोटो सिंथेसिस थर्ड नंबर डेज हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रियट्स फ्रॉम द सॉइल कौन प्लांट्स को सॉइल से न्यूट्रिय एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है रूट्स और लीव्स द आंसर इज रूट्स फोर्थ नंबर प्लांट्स एब्जॉर्व डैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब होती है तो प्लांट्स क्या एब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्साइड द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ नंबर प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं ब्लू प्लांट्स और एकवैटिक प्लांट्स द आंसर इज एक्वेटिक प्लान्ट लीव्स हैव अ ग्रीन कलर पिगमेंट लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कहलाता है दैट हेल्प्स इन मेकिंग फूड फॉर देम जो खाना बनाने में भोजन बनाने में प्लांट्स की हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल नेक्स्ट द स्वीट जूस फाउंड इन फ्लावर्स इज कॉल्ड फूलों में पाए जाने वाला मीठा रस क्या कहलाता है नेक्टर और पोलन द आंसर इज नेक्टर एट द लीवस ऑफ अ डैस प्लांट सडनली ड्रुप इफ यू टच दैम कौन सा प्लांट होता है जिसको टच करो तो वो लीव्स uh, जो हैं वो ड्रुप यानी बंद हो जाती हैं द आंसर इज ममोसा नाइन नंबर ग्रीन प्लांट्स गिव अस द डैश टू ब्रीथ हरे पौधे हमें ब्रीथ सांस लेने के लिए क्या देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन द आंसर इज ऑक्सीजन डैश स्टेम्स आर यूज टू मेक केन फर्नीचर कौन सी स्टेम केन फर्नीचर को बनाने में यूज की जाती है मैंगो और बैम्बू द आंसर इज बैम्बू एलेवन नंबर चॉकलेट इज मेड विद बीन्स फ्रॉम द डैश ट्री चॉकलेट को किस पेड़ के बीन्स से बनाया जाता है क्रोकस और ककाओ द आंसर इज ककाओ ट्वेल्व नंबर Dais are the largest group of flowering plants. Or answer orchids. In this way, you will complete do yourself in your book. Uh, and now I am going to tell you do yourself too. I have already explained the chapter uh, benefits of spices, and this chapter is related related to. Uh, बेनिफिट्स ऑफ स्पाइसेज एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हर्ब्स एंड स्पाइसिस आइडेंटिफाई द हर्ब्स एंड स्पाइसिस एंड मैच दैम विद नेम्स आपको इसमें क्या करना है सब पिक्चर्स दी हुई हैं स्पाइसिस की उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको नेम्स से मैच करना है तो यू विल नॉट मैच विद द लाइन्स आपको लाइन खींच करके इसको ड्रॉ नहीं मैच नहीं करना है यू विल राइट द आंसर बिलो द पिक्चर आपको जो पिक्चर बनी हुई है उसके ठीक नीचे आंसर लिखना है एज यू कैन सी इन दिस वीडियो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द ऑल आंसर्स बिलो द पिक्चर्स द फर्स्ट नंबर क्यूमिन सीड्स सी यू एम आई एन एस डबल ई डी एस क्यूमिन सीड्स सेकेंड नंबर यू आइडेंटिफाई वेरी वेल गार्लिक जी ए आर एल आई सी थर्ड नंबर मिंट एम आई एन टी मिंट मीन्स पुदीना फोर्थ नंबर जी आई एन जी ई आर जिंजर एंड फिफ्थ नंबर चिली सी एच आई डबल एल आई चिली सेवन नंबर कार्डमम सी ए आर डी ओ एम डी ए एम ओ एम कार्डमम यानी छोटी इलायची सेवन नंबर टर्मेरिक टी यू आर एम ई आर आई सी टर्मेरिक एट नंबर सिनेमन सी आई डबल एन एम ओ एम सिनेमन इन मीन्स दालचीनी नाइन नंबर कोरिएंडर सी ओ आर आई ए एन डी ई आर कोरिएंडर यानी धनिया टेन नंबर क्लोव सी एल ओ वी ई क्लोव यानी लौंग इलेवन नंबर कैरम सी ए आर ओ एम कैरम यानी अजवाइन एंड ट्वेल्व नंबर एसैफोटिडा यानी ए एस ए एफ ओ ई टी आई डी ए एंड स्टूडेंट इट्स अ वेरी बेनिफिशियल चैप्टर फॉर यू एज यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन योर किचन विद द हेल्प ऑफ योर मदर अपनी मम्मी की हेल्प से आप किचन में ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड यू कैन टेल द अदर पर्सन द बेनिफिट्स ऑफ दीज इस्पाइस आप दूसरों को इन uh, सभी स्पाइसेस के बेनिफिट्स बता सकते हैं एज़ अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो यू कैन से दैट प्लीज़ गिव हिम अजवाइन अजवाइन अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा आप बोलो अजवाइन देना है किसी को कोल्ड हो रहा हो तो आप अदरक यूज़ कर सकते हैं टर्मेरिक यूज़ कर सकते हैं सिनेमन यूज़ कर सकते हैं यानी दालचीनी यूज़ कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड नाओ वी विल मीट अगेन टिल देन अ नाइस डे